आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत के गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी के रूप में भारत ने एक विद्वान और एक परिपक्व राजनेता खो दिया है। उनके जाने से भारत में एक राजनीति में एक वैक्यूम आ गया है जिसकी भरपाई करना पॉसिबल नहीं है। प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम प्रणब मुखर्जी के जीवन और उनके जीवन से जुड़ी यादें, उनके कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से डॉक्टर प्रोफेसर ममता मोक्टा जी और प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर ममता मोक्टा जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनके जीवन परिचय दें। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंगर मुखर्जी जी थे जी। क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में थे, इस कारण से प्रणब मुखर्जी जी का भी राजनीति के प्रति झुकाव था, और यही कारण था कि वो राजनीति के प्रति उनका झुकाव आरंभ से ही रहा जी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वहीं से की, और हैरानी की बात है कि जब प्रणब मुखर्जी जी स्कूल जाते थे, उनका विद्यालय 7 किलोमीटर की दूरी पे था। 7 किलोमीटर की दूरी में, और बीच में एक नदी भी पड़ती थी। नदी पार करके इतना लंबा डिस्टेंस तय करके जब वो विद्यालय पढ़ना जाते थे, और जब बारिश का मौसम होता तो अब एक गमछा सा लपेट करके जो है वो अपने विद्यालय जाते थे, और वहाँ जा करके गमछा उतार करके जो है फिर वो विद्यालय में, यानी कि ये देखने वाली बात है कि किस तरह से एक आम व्यक्ति, एक आम बच्चा, एक साधारण बच्चा वो एक राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाता है जी, जी। तो और उसके बाद उन्होंने जो है वो स्नातकोत्तर की परीक्षा जो थी वो एमए किया, इतिहास में किया, और जो है राजनीति शास्त्र दो विषयों में उन्होंने जो है वो स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने एलएलबी कानून की पढ़ाई भी की, और उसके बाद जैसा कि 1969 में पहली बार जब उनको मौका मिला, एक बाई इलेक्शन वहाँ पे हुआ वेस्ट बंगाल में, तो बाई इलेक्शन में जब वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मदद करने के लिए आगे आए, और जिस तरह से उन्होंने जो है उस उनकी कमान को संभाला, उसे देख करके उस समय जो इंदिरा गांधी जी जो थी वो बहुत प्रभावित हुई। कहते ना कि जो एक प्रतिभावान व्यक्ति जो होता है ना, उसकी पहचान जो है वो बहुत से हो जाती है। तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी पहचान, उनको पहचाना, और 1969 में ही उनको जो है वो बोला कि आप जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो आकर के ज्वाइन कीजिए। और हैरानी की बात थी कि उसी साल उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, यानी कि एकदम से जो है उनकी इतने विद्वान व्यक्ति थे, इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे, इतने कि उनकी पहचान एकदम से जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो गई, और उनको एकदम से जो है इतना अच्छा प्रतिनिधित्व तो मिल गया। और जो मौका उनको मिला, उस मौके के बाद उन्हें पीछे मुड़के नहीं देखा। 5 बार वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, और 2 बार वो लोकसभा के सदस्य भी रहे, और इसके साथ साथ अनेकों पदों पर जो है उन्होंने हमारे देश को जो सेवाएं दी, चाहे वो सेवाएं उनकी वित्त मंत्री के रूप में थी, विदेश मंत्री के रूप में थी, और वाणिज्य मंत्री के रूप में थी, वो सेवाएं के लिए देश हमेशा उनको याद रखेगा। और यही नहीं, उसके बाद जब राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया 2012, तो उस कार्यकाल में उनकी जो कार्य करने का तरीका था वो डिफरेंट था। वो कहते थे कि अब मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, अब मैं पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ। और उन्हें उस दायित्व को जिस बखूबी से निभाया, इतने बेहतरीन ढंग से उस दायित्व को निभाया कि आने वाला समय जो है उनसे हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा कि हमारे बीच राजनीतिक पटल पे एक ऐसे सितारे का उदय हुआ था जो न केवल विद्वान था,
प्रतिष्ठित था, जो अपनी राजनीतिक परंपराओं से, संवैधानिक परंपराओं से में इतना पारंगत था कि हमारे देश को वो नई दिशा दे पाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसे ही नेता थे जिन्हें सभी दलों के नेता उन पर विश्वास करते थे। और ये आजकल के अगर हम गलियारों की बात करें, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सर उनको जो है सभी दलों ने, चाहे वो पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, सर्वमान्य जो है वो नेता थे। जी 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 जी। डॉक्टर राजकुमार, जैसे मैम ने उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात की, उन्होंने, हम जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने अपना जो कैरियर है वो बेसिकली एक टीचर, एक लेक्चरर के रूप में शुरू किया था। 1963 में पॉलिटिकल साइंस के वो लेक्चरर थे, उसके बाद वो राजनीति में आए। तो आपसे जानना चाहूँगा, एज अ टीचर, आप स्वयं एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उस व्यक्तित्व के जो एक टीचर के रूप में उनका जो कार्यकाल था, जो व्यक्तित्व था, उसकी क्या विशेषताएं थी? गौरव जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने का। जी। वो वीरभूमि के पुत्र ही नहीं थे, वो भारत के रतन थे। जी। उनका बचपन से लेके लेकर के अंतिम सांस तक अगर उनके पूरे जीवन का मूल्यांकन किया जाए तो वह भारत के बड़े महान पुत्र थे। उनका जीवन ही अपने आप में एक शिक्षा है। उनका आरएसएस के शिविर में जाना जी, इस बात को परिलक्षित करता है, क्योंकि शिक्षक जो है वो डायलॉग पे भरोसा करता है। जो शिक्षक जो है वो डायलॉग को नहीं मानता है वो शिक्षक नहीं हो सकता जी। और वो शिक्षक उनके बीच में हमेशा से जिंदा जिंदा जी। उन्होंने जब शिक्षा के क्षेत्र में जब ज्वाइन किया, वहाँ जब कॉलेज में पढ़ाया बच्चों को, और पढ़ाने के बाद बहुत ही कम समय पढ़ाया, उसके बाद वो राजनीति में आ गए, क्योंकि वो कहते भी थे कि राजनीति हमारे संस्कारों में है, खून में है। और इंदिरा गांधी जी की नज़र जिस तरीके से उन पर पड़ी, और पढ़ने के बाद बड़े जल्दी छोटी उम्र में जो है 1973-74 में उनको डिप्टी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बना दिया जी। सबसे बड़ी बात ये देखता हूँ मैं कि जब वो राष्ट्रपति भी थे तब भी वो अपने वहाँ 11th और 12th के क्लास के बच्चों की क्लास, जो 80 स्टूडेंट थे, उनकी क्लास पढ़ाया करते थे, उनको पढ़ाया करते थे। उसके बाद जब वो आरएसएस शिविर में गए, किस प्रकार से उन्होंने अपने पक्ष को रखा, और मैं मानता हूँ कि जो पक्ष उन्होंने वहाँ रखा वो भारत का वो पक्ष है कि भारत आज हमारा प्लूरल संस्कृति है जी। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को हम आंखें बंद करके जो इग्नोर नहीं कर सकते। और कितने सुंदरता से, कितने, हालांकि प्रणब दा को विरोध भी सहन करना पड़ा, तो चाणक्य कहते हैं शिक्षक जो है वो विकास और प्रलय दोनों का कारक है। तो वर्तमान समय में मैं, अगर ये कहा जाए कि चाणक्य के जो भूमिका में वो थे, छोटे कद के थे, कम बोलते थे, और शिक्षक के जो गुण थे, कहा जाता था कि अगर किसी बात को छुपा के रखना है जी, किसी चीज को छुपा के रखना होता तो हम लॉक लगा देते हैं। तो इंदिरा गांधी जी भी कहते थे कि अगर किसी बात को छुपा के रखना है तो प्रणब दा के पेट में डाल दो, इट विल नेवर कम आउट जी। सो उनका शिक्षक के रूप में जो ये कंट्रीब्यूशन था, तो मैं आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। टीचर डे आने वाला है, तो मैं उस पर भी ये महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार से जो प्रणब दा का जो एक पूरा लाइफ जो है एज शिक्षा देता रहा, हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, जैसे उन्होंने जीवन में पीछे नहीं देखा, वैसे हम भी जीवन में आगे ही आगे देखें, पीछे ना देखें, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए समाज का विकास करते रहे, समाज में अच्छाई और समाज में सुगंध फैलाते रहे जी। प्रणब दा ने बहुत सारे पोस्ट्स को सुशोभित किया, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उनकी क्या कार्यशैली थी, कौन से ऐसी पॉलिसी थी जो लाए, जो भारत को जिसने बहुत ज्यादा फायदा दिया, वो जानकारी हमारे दर्शकों को प्लीज दें डॉक्टर राजकुमार। हाँ गौरव जी, प्रणब मुखर्जी भारत के संकट मोचक थे जी। उन्हें कहा जाता है मैन ऑफ ऑल सीजन जी। जब भी कहीं प्रॉब्लम हो तो वो जो है वो खड़े हो जाते थे हनुमान जी की तरह।
कभी मैं ये सोचता हूँ, जब मैंने उनका व्यक्तित्व, उनका इतिहास, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और देखा और समझा, मुझे लगता था कि वो जब जब भारत को आर्थिक क्षेत्र में किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो प्रणवदा ने जो है वो प्रणवदा ही जो है उसमें संकट मोचन के रूप में ऊपर आए। बड़ी एक सौभाग्य है इस देश का कि प्रणवदा 69 में राजनीति में आए और 73-4 में पहले ही विभाग उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जी, छोटी उम्र में देश का फाइनेंस मिनिस्टर होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। जी, इसका मतलब इंदिरा गांधी जी ने उनमें उन गुणों को देखा और 73-4 के बाद 82 में इंदिरा गांधी जी ने उन्हें जो है वो फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस का बना दिया। जी गौरव जी, मैं उनके बारे में एक वक्तव्य पढ़ रहा था, वो बहुत बोल्ड व्यक्तित्व थे, वो बड़े डिसीजन मेकर थे, वो बोलते कम थे लेकिन जब वो करते थे तो फिर वो बोल्ड डिसीजन ले लेते थे। जी। किसी भी देश को अगर IMF से कोई आर्थिक सहायता आए, मेरे मुझे नहीं लगता कि कोई देश वापस करेगा। $1.1 बिलियन की जब इंस्टॉलमेंट IMF से आई तो उन्होंने उस इंस्टॉलमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए और पूरे वर्ल्ड को अचंभित कर दिया कि भारत जो है वो किस क्षेत्र की तरफ को भारत कर क्या रहा है। जी। दूसरा, फिर जब वो भारत पे 90s में बहुत गहरा संकट आया, हालांकि उस समय वो राजनीतिक परिपेक्ष में थोड़ा उनका जैसे जीवन है उतार चढ़ाव चलते हैं, उसमें हर वक्त अच्छा अच्छा नहीं होता, हर वक्त बुरा बुरा नहीं होता। गौरव जी, उनके जीवन में भी ऐसे पक्ष आते हैं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में पक्ष आते हैं और ये कुदरत के द्वारा दिए गए एक ऐसी स्थितियां होती है जिसमें कुदरत हमें टेस्ट करती है कि क्या हम जो अच्छे समय में दिखते हैं क्या बुरे समय में हम ऐसे हैं कि नहीं, अपना संयम खोते कि नहीं खोते। जी। अगर आप देखें प्रणवदा को, जितने छोटे कद के थे उतना ही गंभीर और उनका बड़ा दृढ़ जो है वो संयम और संकल्प थे उनके। जी। 91 में वो प्लानिंग कमीशन के वो डिप्टी चेयरमैन बने, बहुत बखूबी उनको आज भी याद किया जाएगा, जैसे गाडगिल और प्रणब मुखर्जी फार्मूला के लिए जिस प्रकार से किस प्रकार का रिसोर्सेज की एलोकेशन की जानी चाहिए। और जब WTO को साइन करना था, नरसिम्हा राव की नरसिम्हा जी की सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे। जी। तो कॉमर्स मिनिस्टर पे इतना भार था कि एक तो देश में हमारे जो है वो आर्थिक तौर के ऊपर बहुत गहरा संकट था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है एक तरफ मनमोहन सिंह जी आगे ला रहे थे, दूसरी तरफ जो है विदेशों के साथ WTO के निगोशिएशन में किस तरीके से डिस्कस करना है उन चीजों को, क्या कि जिसमें भारत के हित को रखना, भारत के हित को जो है बचा के रखना, आगे बढ़ाना, उन सब बातों को उन्होंने जो है 95 में जब WTO हमने साइन किया तो बहुत बखूबी उन्होंने ये किया। जी। अंत में जब वो राष्ट्रपति बनने से पहले भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी। अगर हम देखें उस वक्त पूरा संसार जो है आर्थिक मंदी से, इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो क्राइसिस था उससे गुजर रहा था। उस दौरान भी अगर हम अपना डाटा देखें तो ऐसा लगता है कि आर्थिक मंदी जो है वो भारत के जैसे कोई ग्रह आता है, वो भारत के ऊपर से क्रॉस होता है लेकिन उसके भारत की हल्की सी शेडो पड़ती है, लेकिन भारत को प्रभावित नहीं किया। जी। तो ये उनका कुशल नेतृत्व था, उनकी फाइनेंस के बारे में अच्छी समझ थी। जी। और जिस प्रकार से वो 18-18 घंटे काम करते थे देश के लिए, जब वो काम करते थे वो, तो ये परिलक्ष इससे ये लगता है कि उन्होंने जो है पूरे अपने समझ से और अपने जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया, आगे बढ़ाया। और इसीलिए जो है वो अगर देखेंगे तो भारत की विकास दर जो है वो 8.6-9 पॉइंट के करीब करीब जो थी वो थी, तो लोग बहुत हैरान होते थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जो है भारत की विकास दर बहुत ज्यादा है। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो मनमोहन सिंह जी जो थे उनको RBI का गवर्नर के रूप में लाने वाले जो है वो प्रणवदा ही थे, और इसके अलावा वो मतलब पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 7 बार जो है वो बजट प्रस्तुत किया। और जब वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते थे तो वो केवल देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते थे। मुझे याद है जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी उसमें मैं पढ़ रही थी कि अटल जी की जब सरकार थी तो अटल जी की सरकार के दौरान जब एक पेटेंट बिल पास होना था तो विपक्ष की आशंका थी कि विपक्ष इस बिल को पास नहीं करेगा, तो उन्हें प्रणवदा से जो है अनुरोध किया कि आप हमारी मदद कीजिए और
प्रणव दा ने कहा कि क्योंकि ये जो कानून पास हो रहा है वो देश हित पे है, तो उसमें उन्होंने अपने पक्ष को, अपनी पार्टी के सदस्यों को मनाया कि नहीं, जब हम सरकार में थे तो जो है ये इस एक्ट के, इस कानून के हम भी पक्षधर थे, तो हमें इस बिल के पास होने में मदद करनी चाहिए। यानी कि जब आप राजनीति से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचते हो, मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल जो है वो हमारी राजनीति में एक प्रेरणादायक सूत्र है, और सभी राजनीतिक क्षेत्रों में अगर इस तरह के जो है वो हम फैसले लिए जाए, तो राजनीति केवल देश हित में काम करती है, देश के विकास के लिए काम करती है। और IMF का जो सबसे आखिरी किश्त जो थी लोन की, वो भी जो है प्रणव दा के समय में ही जो है वो सरकार ने वापस की थी। तो इस तरह के वित्तीय क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो हमेशा ही याद रखा जाएगा। मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में जो था वो फैसले लिए उन्होंने और समर्थन दिया, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे शायद पक्ष यही में कारण रहे। है कि आज उनके जाने के बाद सभी दल के लोग जो है ना वो उनको याद करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, उनके इन्हीं कारण कामों की वजह से, उत्कृष्ट कार्यों की वजह से उन्हें भारत रत्न मिला और भी अनेकों पुरस्कार उनको मिले। हमारे दर्शकों को प्लीज उसकी जानकारी दे, कौन कौन से अवार्ड प्रणव दा को मिले। 1997 में उनको उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला, यानी कि क्योंकि वो इतने बेहतरीन ढंग से वो लोकसभा के भी सदस्य, ये अपने दल के नेता रहे, राज्यसभा में भी अपने दल के नेता रहे, और बखूबी जो है वो अपने काम को निभाते थे। और जब वो कहते थे वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, उनको इतनी नॉलेज थी, वो इतना पढ़ते थे। 18 राजकुमार जी भी बता रहे थे वो 18 घंटे काम करते थे, क्योंकि राजनीति मीन्स जनता की सेवा। वो इस लक्ष्य से ही जो है वो राजनीति से जुड़े थे कि मुझे जनता के लिए काम करना है, जितना मैं दे सकूं मुझे जनता को देना है। और शायद यही कारण था कि 1997 में जहां उन्हें जो है वो बेस्ट पार्लियामेंट्रल अवार्ड मिला, और उसके बाद 2008 में सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, और उसके बाद जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जो हम कहते हैं 8 अगस्त 2019 को उन्हें प्रदान किया गया। हालांकि जो है वो सरकार जो थी वो दूसरी थी। देखो ये हैरानी की बात है कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के जो है उन्हें सम्मान मिला, तो ये बात जो है वो बहुत ही अच्छी है कि उनके कामों की सराहना, चाहे वो उनके अपनी पार्टी हो चाहे उनकी विपक्ष पार्टी हो, सभी ने जो है उनके कार्य की सराहना की और ये माना कि वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इवन हमारे जो मोदी जी, जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, जब उनके शो का कुल जब ये समाचार आया कि जो है उनका निधन हो गया है, तो उन्होंने जो पिक्चर ट्वीट की उसमें दिखाया था कि मोदी जी जो है वो उनके पांव छू रहे हैं। जब उनका दूसरा कार्यकाल आरंभ हुआ तो राष्ट्रपति जी के, उन्होंने जो है प्रणव दा उस समय राष्ट्रपति थे, तो उनका आशीर्वाद लेकर के जो है उन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया। और सबसे अलग बात मैं पहले भी बताया था कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में जो उनका कार्यकाल था वो निष्पक्ष होके, उन्होंने कहा कि अब मैं, जब हम किसी संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो मेरा किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके संविधान की मर्यादाओं के अनुसार जो है वो अपने कार्य को करूंगा। और वो राजनीतिक जो संवैधानिक परंपराएं थी, मर्यादाएं थी, उनके बहुत विशेषज्ञ थे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। शायद यही कारण है कि उन्होंने जब उनके अनेक साक्षात्कार जो है वो टीवी में आए, और कितनी सारी वो किताबें लिखते थे, तो जब उनसे चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान वो कहते थे कि अब सरकार को चलाने का, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं और सरकार के फैसलों में मैं भी सहभागिता मेरी है, चाहे वो GST की बात करें, डीमोनेटाइजेशन की बात करें, वो कहते हैं ये मेरी सरकार के फैसले हैं। यानी कि आप जब संवैधानिक पद पे होते हैं तो वो भूल जाना चाहिए कि आप किस दल से संबंध रखते हैं, केवल देश के बारे में। संविधान के बारे में, देश की तरक्की के बारे में, देश का विकास जो है वो लक्ष्य होना चाहिए और उस आधार से निर्णय लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके कार्यों के लिए, बेहतरीन कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का जो है खिताब भी मिला था, है ना, कि 2010 में 2011 में उनको एक कर्मठ प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी जानते थे। कहते थे कि जो प्रणव दा जो है वो एक सख्त प्रशासक भी थे, मतलब कि वो जो कहते थे ना वो कई बार जो है वो गुस्सा भी हो जाते थे लेकिन एकदम से वो फिर शांत हो जाते थे। यानी कि उनका एक रोग था, जो कहते थे वो काम करवाना भी जानते थे, वो कर्मठ भी थे,
प्रतिष्ठित भी थे और कार्य कुशल जो है वो प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी जो है उनकी छवि जो थी वो जानी जाती थी। जी, मतलब हमारे जो आज के जो राजनेता हैं जो नए आ रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को है इनके जीवन से। ममता जी, प्रेसिडेंट रहते हुए प्रणदा बहुत बार हिमाचल आए, शिमला आए, आपके विश्वविद्यालय में भी आए, तो उनसे जुड़ी कोई स्मृति जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जब वो हमारे यहाँ पर कॉन्वोकेशन हुआ था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, वो आए थे और वो अक्सर जो है हिमाचल को वो बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे कि मुझे उनको घूमने का बहुत शौक था। तो जब वो रिट्रीट में भी आते थे वो कहते थे कि यहाँ की हवा, यहाँ की स्वच्छता जो है वो मुझे बहुत पसंद है और वो यहाँ आना पसंद भी करते थे। शायद यही कारण था टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वो आए। कांगड़ा में तो वो इवन दो बार आए, है ना, और वहाँ पे एक आश्रम भी था, उन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया था। वो आश्रम के बच्चों के पास आते थे, इवन बगलामुखी माता जो है वहाँ पर भी वो गए, उन्होंने पूजा कराई। यानी कि हिमाचल उनके दिल के करीब था, है ना, और वो बार बार यहाँ आना चाहते थे। कन्वोकेशन में मुझे याद है जब वो आए थे उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें जो है जो शिक्षा जो है, शिक्षा किसी भी देश की विकास की जो नींव होती है ना, हमें अपने क्षेत्रों में जो है, आप जो आज के आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आने वाला कल है, यदि हम अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता से, ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कार्य को करेंगे तो एक दिन हमारा देश अवश्य ही विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। तो उनका वो संबोधन मुझे आज भी याद है और उनकी यादें जो है वो हमारे स्मृति पटल पर वो हमेशा याद रहेंगी और हमें जो है अच्छी राह पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। राजकुमार जी, आपको जोड़ना चाहेंगे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या उनके व्यक्तित्व की खासियत है जो आगे आम जनता या जो हमारे यंग लीडर्स हैं जो उनको फॉलो करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है? मैं गौरव जी, एक तो सबसे बड़ी बात है धैर्य और विवेक। जी, जिस व्यक्ति में है वो इस पृथ्वी पे साक्षात प्रभु है, परमात्मा है। जी, और वही व्यक्ति जो है रत्न है। अगर देखेंगे तो भारत रत्न जो है जिस तरीके से दिया गया, जी, प्रणब मुखर्जी जी में धैर्य और विवेक दोनों समाहित है। त्याग, जी, जितना त्याग उनमें था, जी, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। जी जी, उनकी जगह कोई और होता तो विरोध करता कि मैं इस कैबिनेट में नहीं रहूंगा। जी, लेकिन वो ये कहते थे जब मेरे भाग्य में जो रखा है मैं उसे खुश हूं। जी, ये त्याग है। जी, जब वो राष्ट्रपति बने, विवेक की बात है, उनके भाई ने घर के बाहर लिख दिया कि मैं लिखूंगा घर के बाहर लॉन्ग लिव प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा नो, प्रेसिडेंट इज नॉट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट इज इंस्टीट्यूशन। सो मैं मानता हूं कि आज के राजनीति में हमने एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ध्रुव तारे को खो दिया है। जी बिल्कुल, इस गैप को भरना असंभव नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। जी, जिस प्रकार से प्रणब दा ने अपने आप को पूरे समाज की विकास के लिए तैयार किया था, जिन परिस्थितियों में आज़ादी से पहले पैदा हुए वो वक्त भी देखा, गरीबी भी देखी, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति जो है वो अभिमान आने से चली जाती है। जी, तो भारत के ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कहा कि ये जो वर्ड हिज एक्सेलेंसी है ये राष्ट्रपति और गवर्नर के इससे हटा देना चाहिए। जी, ये इस बात को बताता है कि वो जो ये मान सम्मान यश अपयश इन सबसे बड़े परे के व्यक्तित्व जो थे वो सही मायने में भारत की आत्मा थे। जी, उनके जाने से ऐसा लगता है कि भारत आज आत्मा विहीन हो गया है। जी, ऐसा तो ये दो गुण जो मैं महसूस करता हूँ कि आज के राजनीतिज्ञों को खूब पढ़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, त्याग की भावना, संयम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और हमेशा हमेशा जो है कभी भी अपने अभिमान अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं, पूरे समाज के स्वार्थ को पहले। जैसे आता है हम कॉमर्स में पढ़ाते हैं कि मैनेजर वो अच्छा है जो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। अगर प्रणब दा को देखें तो हमेशा उन्होंने अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके हमेशा समाज के लिए ही आगे बढ़े। जी,
और भाग्य की बात होती है, मुझे लगता है कि भाग्य ने प्रणब दा को कोई किसी प्रकार का उनके मान सम्मान में भारत ने कोई कमी नहीं रखी जी। भारत ने अपने सपूत का पूर्ण सम्मान किया और पूर्ण जो उनके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बनता था भारत ने दिया। इसके लिए आज हम भारत के नागरिक होने के नाते गर्व महसूस कर रहे हैं जी, जी, आज जी। हमें ये नहीं लग रहा है कि हमारे देश का बेटा जो बहुत महान पुत्र था वो बिना कुछ जो है सम्मान लेकर के इस देश से चला। सचमुच हम जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं जी, जी, जी। अगर हम ममता जी कहें कि प्रणब दा वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हिम इटसेल्फ, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा है कि उनसे हमें सीखने को इतना कुछ मिलता है जी। कि वो, मैंने कहा था कि वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, है ना, उन्हें हर चीज़ का इतना ज्ञान था। वो जिस भी क्षेत्र में गए, वो अनेक क्षेत्रों में वो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वित्त की बात करें, चाहे हम विदेश मंत्री के रूप में जो है उन्होंने काम किया, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, जहाँ भी गए वो सभी क्षेत्रों में जो है उन्होंने अपना एक, उनका काम करने का तरीका जो है वो अलग था। हर जगह अपनी छाप छोड़ी। हाँ, हर जगह जो है उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और जब अब नेता जो है वो, जब मिनिस्टर जो है खुद 18-18 घंटे काम करेगा तो उसका स्टाफ जो है वो अपने आप उनको देख करके प्रेरित होगा, वो और भी बेहतर काम करेगा। तो एक तरह से वो प्रेरणा थी, है ना। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो सबको, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, अगर उनके पास सलाह के लिए आता था वो बेबाक होकर के जो है अपनी सलाह देते थे और वो संवाद करते थे, चर्चा करते थे, और वो डरते नहीं थे। जो वो कहना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से कहते थे। ये उनकी सबसे अच्छी बात थी। शायद एक बार जो वो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो नरसिम्हा राव जी से भी वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है आप कैबिनेट मंत्री होते हुए प्रधानमंत्री को ऐसा कह रहे हैं कि आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई है। तो वो निर्भीक होकर के वो बात कहते थे। शायद यही कारण थे कि लोग उन पर विश्वास भी करते थे, उनसे सलाह भी लेते थे। मुझे याद है अटल जी भी जो है वो उनको बहुत विश्वास करते थे। इवन अडवाणी जी जो विपक्ष में थे, अडवाणी जी ने यहाँ तक कहा कि इस यूपीए सरकार को मुझे लगता है कि ये कैसे चलती अगर प्रणब दा आप साथ में नहीं होते। और यूपीए के दौरान, यूपीए 1 की बात करें, यूपीए 2 की बात करें, उस दौरान डिफरेंट कोलिशन पार्टीज जो थी, है ना, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना, है ना, वो बहुत मुश्किल था। और यही कारण था कि किस तरह से वो जो कोलिशन गवर्नमेंट का इतिहास भारत में जब आया तो इतने समूहों को साथ रख करके जो है वो कैसे काम करना है। तो शायद जब भी कोई समस्या आती थी प्रणब दा एकदम से आगे आकर के उस समस्या का जो है वो समाधान करते थे। शायद यही कारण था कि उनको संकट मोचक जो है भी कहा जाता था, कि हर समस्या का समाधान वो कर लेते हैं, ना, बेबाक होकर स्पष्ट रूप से वो समस्याओं को सुलझाने का सामर्थ्य रखते थे। जी 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 जी। राजकुमार जी, आपको जोड़ना चाहेंगे, कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, आपसे टिप्पणी लेंगे संक्षिप्त। हाँ, संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रणब दा का जो जीवन है वो जीवंत है, और वो साक्षात, जिसको बोलते हैं साक्षात शिक्षक है जी। वो जीते जी भी सिखा के गए और जाते जाते भी सिखा कर गए समाज को। हमें जो है प्रणब दा का जो रास्ता है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है जी, कि जिस भावना से, जिस तरीके से प्रणब दा ने इस समाज के लिए, देश के लिए काम किया, हम भी उनकी इन मूल्यों को फॉलो करें और उन्हीं मूल्यों को फॉलो करते हुए देश के लिए काम करें। ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जी जी, ममता जी, आप बिल्कुल ठीक राजकुमार जी ने कहा कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपना करके उनसे प्रेरणा लें, है ना, सभी क्षेत्रों में, हम जहां पर भी हैं सभी क्षेत्रों में जो है उनके जीवन मूल्य जो है एक आदर्श स्थापित करते हैं। राजनीति में इस तरह की राजनीति से जो शून्य जो है स्थापित हो गया है, उस शून्य पटल पे मुझे लगता है कि आने वाले जो हमारी, जो हमारे नेता हैं, आने वाले जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो उनसे प्रेरणा लेंगे। और इस तरह की राजनीति करने का जो अगर परंपरा हमारे देश में जो है रहेगी, तो हमारा देश निश्चित ही जो है वो ऊंचाइयों को छुएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो है प्रणब दा के प्रति होगी। जी, ममता जी, राजकुमार जी, आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।